प्रत्याहार हेबो तीन नुआ कृषि आईन देशवासी संबोधन बेले घोषणा करिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहिछंती जे प्रत्याहार नहीं खूब शीघ्र आरंभ हेबो सांविधानिक प्रक्रिया किछ कृषक गोष्ठी को बुझेबारे विफल होइथिबा कहिछंती मोदी आउ आंदोलन प्रत्याहार करिबाकु मध्य कृषक संगठन को अनुरोध करिछंती आउ तीन कृषि आईन प्रत्याहार परे कृषि आईन प्रत्याहार घोषणा हेबा परे विभिन्न महल रे मध्य प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। राहुल गांधी कहिछंती जे अन्नदाताक सत्याग्रह आगरे अहंकार मुंड नइला रही स्टूडियो आलोचना कृषि आईन प्रत्याहार विवाद तीन कृषि आईन प्रत्याहार होने आलोचना करवा पूर्व दर्शक बंधु आम सीधा सड़क नहीं जाऊँ आपको नवनिर्माण कृषक संगठन प्रेस मीट को कौन कहते प्रेस मीट रे कृषक नेता माने शेषे निज विजय आंदोलन दस्ताविज हाथ में पाइले आंदोलन छाड़ जी हटात जी ना नवनिर्माण कृषक संगठन के भोट्र सौदाबाजी विश्वास करे ना भोट पंथ राजनीति करे ना कि गोटे गणतांत्रिक देश में राजनीति पार्टी तो कंपलसन अच्छी निर्वाचन कंपलसन अच्छी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरा हेमार होगा तेणु से जानते थे यदि उत्तर प्रदेश हाथ में खसी जाए बिहार संगे सूत यह एक कंपलसन हो पाए कि जो मैंने जीवन को बाजी लगे काम करें गोटे मस पदयात्रा कलु 350 किलोमीटर भारत बर्षे संयुक्त मोर्चार गोटे भागीदारी हिसाब से आम गोटे बड़ काम कलु चंपारण बनारस बिहार उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश संगठन था पूर्व उत्तर प्रदेश में आम ओडिया लोक 500 लोक मसाधिक काल चलू गांधी जयंती तार गोटे बड़ इंपैक्ट पड़ा आम बे खुशी होती आंदोलन आम बड़ हिस्सा था आम आज समय कालखंड आज प्रमाण करेकोसी जन आंदोलन आगे राष्ट्रशक्ति चाषी संगठन शक्ति पराजय स्वीकार करे आज इतिहास आउ थे नुआ अध्याय जोड़ा हो आंदोलन केतबाला सरकार राष्ट्रशक्ति पर हारे ना चाषी मान तार विजय के प्रमाण कर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट को जाइए प्रधानमंत्री नतमस्तक खलिस्तानी आंदोलनजीवी नाटक भाषण परिसमाप्ति घटी शेष चाषी विजय हो नवीन पटनायक आदौ गरीब सरकार नुहति कृषक सरकार नुहति सबुठ विश्वासघात करोजन आमको 10,000 टंका दबा कही 4,000 टंका दे 8 कठोर घृण्य निष्पत्ति किसी नईपे से प्रचार भ्रमण नाऊ अभी यदि तेलंगाना मुख्यमंत्री रास्तार बस नवीन पटनायक जो चाषी दाबीपी रास्त बस कर्मी छड़ेगी आम जानू सरकार संगे अच्छे आज तो केन्द्र सरकार दिन आज केन्द्र सरकार दिन आज बड़ लड़े भारत बर्ष राज्य प्रसंग आम ओल्लू लड़बू से कथा कहूँ कि आज बीजेडी एमती विशेष उत्साहित कम करना जमी ट्रेन में पुओ झी चाषी आंदोलन करते कलेज पिला एमती किसी उत्साहित कम कर आपड़ शुणुले नवनिर्माण कृषक संगठन प्रेस मीट जहाँ को स्वागत केंद्र सरकार नरमी ए संपर्क आलोचना करने आम सह स्टूडियो अच्छा दिवाकर नायक कृषि विशेषज्ञ एवं शुभेंदु मल्लिक चाषी नेता दिवाकर बाबू और शुभेंदु सर आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को निहाती भाव में कहीपर जितेबाला आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासी को संबोधन करेंगे कहले से प्रथम पर्यायर आम जहाँ शुणा पाइल जे कृषि और कृषक को नहीं प्रधानमंत्री अनेक सकारात्मक दिग कहले परवर्त समय द्वितीय पर्यायर आम देख लु जे प्रधानमंत्री गोटे गुरुत्वपूर्ण घोषणा कले तीन कृषि आईन को प्रत्याहार कले प्राथमिक प्रतिक्रिया जानवाक चाहिए परवर्त समय आम आलोचना कर शुभेंदु बाबू देखु आज तमाम भारत बर्षर चाषी कूल ये गोटे बड़ विजय दीर्घ दिन धरी जो आंदोलन चली पूरा भारत बर्ष आज आउ ये जो चाषी मैंने एत संख्यार बलिदान देजर प्राण बलि से प्रथम विनम्र प्रणाम मोर एवं से मानकर लड़ई एवं जो मैंने आज भी जीवित अच्छा से बसी लड़ई में सामिल अच्छा से पूरा भारत बर्षर तमाम चाषी कूल ये विजय किंतु अपर पक्ष जदि देखा जा प्रधानमंत्री जो घोषणा करी गोटे किंतु रखिदेई जे मु जो आनी आईन एगुटा निश्चिंत भाव चाषीपी लाभजनक मात्र मु बुझेबार विफल होती किंतु सी सत्यता को स्वीकार करने दरकार प्रधानमंत्री पूरा पूर्ण भाव सत्यता को स्वीकार करने दरकार जे
सी जो आईन आनी से आईनटी विफल होफल बाध्य हो कि से आईन को रिपिल कर प्रत्याहार कर संपूर्ण भाव नाई तो सी जहाँ आम विगत दिन में आपण टेलीविजन चैनल न्यूज 18 ने एक आसिकी कहीकि जाइली जदि ये तीनोटी कला कृषि आईन को प्रत्याहार न कराए यार प्रतिफलन कौटी आप देखि था ना पंजाब ठारु आरंभ करके उत्तर प्रदेश जो आगु को निर्वाचन अच्छी चाषीकूल जवाब भोट्रे था सरकार से तली पड़ी था उत्तर प्रदेश में पंजाब रे तो से सरकार नहांती तेणु यही जो भय तांको मन भितर रहिला से भय एवं चाषीकूल ये नैतिक विजय आज पूरा भारत नैतिक विजय होती सुबंध बाबू ठीक अच्छे आम आपको आसपू पुणु थे दिवाकर बाबू जो भाई भाव देखो प्रधानमंत्री कहले कि कृषक को आम बुझेवाई समर्थ हो पारूना आपन टी बुझे प्रथम जो प्रकृति में कौन थी से कृषि आईन तावर्त समय आलोचना को आसवा सत प्रधानमंत्री जिते तीनोटी कृषि आईन को उठे जो प्रत्याहृत कर गोटे भल सत कथा कही ये तीनोटी कृषि आईन चाषी हितर थिला मु कृषि अर्थनीति छात्र हिसाब से कहि ये तीनोटी कृषि आईन कृषक मानकर बड़ हितर थिला या ग्रामांचल अर्थनीति परिवर्तन करथंता कृषि अर्थनीति रे परिवर्तन आसतंता चाषी अर्थनीति रे परिवर्तन आसतंता एवं कृषि रे जो परिवर्तन हेंजी आज आम 300 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन करचो जातीय लेवल रे आज आम 315 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन फूड्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन करचो या गोटे या गोटे कम कथा नुहे एवं सत कथा कह विगत 3 वर्ष रे आम केवल गोटे बासुमती राउत एक्सपोर्ट करथुलु एबे नॉन बासुमती राउत एक्सपोर्ट करिया को 2 वर्ष ला चिंता करचो ई करा दउची एवं जहा फल रे थाइलैंड जो माने नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करते से माने अटक चाहिए जो आईन विषय आम आलोचना करूँ प्रधानमंत्री कहले आम कि कृषक को बुझे पार्लु ना आपे बुझात आपत बुझी कृषि आईन को मु तो सत कह यहाँ कृषक मान हितर था यहाँ कौन हितर था ना धरतु आजिकल 2 वर्ष ते जो 2 वर्ष ते जो सर्वे हो देखिए कृषक आय जातीय लेवल 5000 रु 25000 भितर मासुक अच्छी से 5000 को स्टेट जानते ओडिशा स्टेट एवं प्रकृत रे ये जो बहुत राज्य विगत 30-40 वर्ष भितर जो कृषक जो कृषि पे जो योजना हेची आम विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न जल भंडार करूँ जलसेचन बहुत पैसा खर्च एवं गुड़े प्रोजेक्ट भी कराई कृषि विज्ञान केन्द्र आईसीआर विशेष रिसर्च इंस्टिट्यूट कौन है ना आम 300 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर 315 मिलियन टन ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कर पल्सेस आप मार्क कर 5 वर्ष ते आम पल्सेस बहुत इंपोर्ट करथुलु इंपोर्ट करथुलु वर्तमान सेटा ये विगत 3 वर्ष रे पल्स प्रोडक्शन रे पल्स रे इंपोर्ट बहुत कमी आई आम ऑल सीड की वर्तमान प्राधान्य दिन्छु तेणु ये जो प्रोडक्शन टा बढ़ी ये प्रोडक्शन बढ़िया समय ये तीनोटी आईन बहुत हेल्पफुल हितांता एक्सपोर्ट करिया पे तले आपण सपक्ष रचन दिबाकर सर ने मु सपोर्ट कथा कहुनी मु कृषि अर्थनीति छात्र हिसाब रे कहुची एटा कृषि अर्थनीति रो परिवर्तन ये कृषि प्रोडक्शन जो परिवर्तन हेची ये कृषि आईन जो थिला सेटा कृषि अर्थनीति परिवर्तन करे विशेष सहायक हितांता एवं ये आजिर दिन नहि दीर्घ 15 वर्ष ला या पु तर्जना करा जाय ये तीनोटी नियम बाहरथिला किंतु जाहु ये कृषि नीति प्रधानमंत्री गणतंत्र चापरे पड़ी आपको प्रत्याहर कृषि आईन जदि प्रणयन होता आगे आसी था लाभ कौन होता कौन क्षति हे लाभ कौन होता कृषक आयर पर आप देख प्रथम ओडिशा कथा चिंता करूँ आम जो एपीएमसी आक्ट अच्छी एपीएमसी जो बजार चलिए ओडिशा कौन होम गोटे मुख्य फसल हूँ धान धान एपीएमसी मार्केट बजार थ्रो बिका किणा हुए आगु रोला एवं जो आम प्रोक्योरमेंट हूँ 50-60 लक्ष टन जो चाषी किणा या डिफरेंट आम चाषी पाखे मंडी खोलाई तेणु धान प्राक्टिकाली एपीएमसी खूब कम जाए हूँ मेजर हूँ वेजिटेबल्स आमर जो वेजिटेबल प्रोडक्शन हूँ तार मार्केटिंग अनऑर्गानाइज चाषी मैंने बेनिफिटेड होना एवं ये जो मार्क कर 20-25 दिन तले कि मासक तले आमर सम्मान्य मुख्यमंत्री गोटे एग्रीकल्चर कनक्लेव करते से गुड़ाए कंपानी डाकि
कहीं डाकि ना एग्रिकल्चर भेजिटेबल एग्रिकल्चर प्रोडक्टर प्रोसेसिंग केमी हम कि मार्केटिंग हम एवं ये जहाँ करते ये हूँ से निमर गोटे अंश भी धरिया पड़ो से जो कृषि नियम गोटे अंश भी धरिया पड़ो बिल्कुल तेणु ये कृषि तीनो नियम कृषक बहुत लोग आकचुअली अर्थनीतिक अपेक्षा राजनीतिक बेस अर्थनैतिक दिग को कृषक मैंने बुझीपाले सत कथा कहूँ बहुत बाबू जी एत भल थी कहीं विरोध कर नहीं मु देखु दिवाकर सर जो कथा कहते जे से तो मुझे बुझीपाल ठीक से यहाँ आईन केमी प्रडक्शन को बढ़ेदेला सार कहते प्रडक्शन गला पांच वर्ष है बढ़ुच तीन वर्ष है बढ़ुच्छी दुई वर्ष है बढ़ुच्छी कृषि आईन तो मात्र बर्षे देढ़ वर्ष कृषि आईन प्रडक्शन बढ़े जे 5000 रु 25000 मु कहूँ भारत वर्ष रे 16 राज्य रे 70 मासिक 1700 टंका रु कम होची गोटे परिवार रो चासी परिवार रो औसतन आय 1700 टंका रु कम प्रत्याहार संपर्क में मुख्यमंत्री स्वागत कर मोदी घोषणा को नवीन स्वागत जहां वर्तमान खबर आँचुची केन्द्र तीन कृषि आईन प्रत्याहार पीएम घोषणा को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वागत कर ट्वीट कर स्वागत जनाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से कहते देश एवं कृषकों हित में मोदी जी यह निष्पत्ति नहीं आंदोलनरत कृषकों स्वागत पाई क्षेत एवं परिवार चाह बस कृषक माने घर को फेरिले से खुशी हेबे बीजेडी सबुबले कृषकों समर्थन करी कहते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं ट्वीट कर मोदी घोषणा को स्वागत कर नवीन पुणी आलोचना को आसो शुभेन्दु आप जो कथा कहते जदि दिवाकर सार जो अर्थनैतिक दिग को कहते अर्थनैतिक दिग दृष्टि कृषक मैंने लाभवान हे तो आप कहीं विरोध करते पर्टिकुलर आंसर कहूँ सर आज्ञा अर्थनैतिक दिग मुझे कहे भारत में आज 16 राज्य में मसकु गोटे चाषी पर 1700 टकर कम हो आय प्रतिमास आपड़ जदि गोटे इंटरनेट सामान्य व्यवहार करसक आपखापाखि 300-350 टाँचा पड़ू आपणकर डाटा पैक माने आपणकर जी डाटा गोटे चाषी पर कम अटा माने गहम तेणु यही परिप्रेक्षी आम केमी चिंता करे तीनो कृषि आईन जो चाषी मेरुदंड को सी भांगे बसी जे सी तीन टा कृषि आईन पुणी चाषी हितर लगिजी आज्ञा प्रथम रु कथा हूँ चाषी उपरे बोझ थिला बोझ उपरे ये कृषि आईन टा हूँ नलिता विड़ा थिला सरकार नलिता विड़ा को मुंड आज काढ़ीदे बोल कि कथा देते दूर काढ़े न करेंगे से तो पुणी समय कह संसद अधिवेशन बसिले से जना पड़ो तेणु आज प्रथम दफार कहते नलिता विड़ा को काढ़े तापर बोझ जी अच्छी चाषी आरंभ रु जल सेचन जल निष्कासन ताकू बिहन मिलिबनी सार ठीक समय मिलिबनी जदि बा ये हला जदि फसल भल हला तापर पुणी हाथी ठारु आरंभ करी संड माकड़ दिवाकर सर से कथा निश्चिंत भाव जानिथिबे जे संड हाथी माकड़ एमाने ताकू क्षति पहुँचे जदि बा फसल तापर पहुँची गला तापर एपीएमसी मंडी गला बेलू सी अभावी बिक्री कर मंडी में सी बिक्री कर मंडी बाहर कौ दलाल टाउटर गाँ जो बेपारी को लेकिन बिकव धान रेट जदि 1868 टाँह थब सी 1200 आज भी आप चलत देखिए कृषि आईन तो लगी दिन धरी आज भी आप चलत देखिए पूरा तमाम भारत वर्ष विशेषकर पूर्वांचल धानर आज चाषी गाँ गहली मात्र 1200-1300 टाँह भितर क्विंटाल बिकुं तेणु आमे जो दीटा कथा कहीलु जे कृषि आईन को प्रत्याहार करा जाऊ एवं एमएसपी को लीगलाइज करा जाऊ एमएसपी को आईन सम्मत करा जाऊ जोटा स्वामीनाथन कमिटी सुपारिश आधार रे शुभेंदु बाबू कृषि आईन संपर्क प्रतिक्रिया सुनने प्रथम उनको ये संघर्ष की जो गाता है उनको जाती है पूर्ण रूप से और ये उन्हीं की जीत है सर ये भी है इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं यही हाल आप यहाँ पे लगा लो यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है कहाँ से पहाड़ियां उठेगी कहाँ पोर्ट बनेगा और अडानी को या अंबानी को जाएगा दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता बुलेट ट्रेन है यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी आदिवासी जंगल जल जंगल जमीन पे तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है नहीं होगा स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी
कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पर ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में भी यहाँ पर आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर एक साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन का हिस्सा बना, वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर की जीत है। सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल, तीन कृषि आईन प्रत्याहार पर कृषक मैंने स्वागत करिछन्ति, किंतु सरकार जदि प्रत्याहार विरोधी प्रतिनिधि स्वागत आम सह अच्छा दिवाकर नायक कृषि विशेषज्ञ और शुभेंदु मल्लिक अच्छा चाषी नेता। आम आलोचना को आसवा कितना पूर्व दर्शक बंधु टी कही रखुचु कृषि आईन व्यवस्था कौन थी एवं कहीं विरोध होता ग्राफिकाली आम देखा जो प्रकृति में कृषि आईन व्यवस्था थी कंट्राक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहन मिल कंट्राक्ट फार्मिंग द्वारा क्षति आशंका कम कृषक मानक आयर सुधार आसब कृषक प्रोसेसर एवं होलसेलर खुचरा व्यवसायी को समानता मिल एवं समानता आधार में ही समस्त जोड़ी हे कृषक मैंने आधुनिक ज्ञानकौशल और उन्नत इनपुट पाइबे यह प्रावधान थिला। तेरे उद्दिष्ट उत्पाद पर चाषी मान सहित चुक्ति करेंगे बड़ बड़ कंपानी उत्पादर मूल्य आगु स्थिर अर्थ पूर्व ही मूल्य स्थिर कृषक मैंने उत्पादर सठिक मूल्य पारे यह कृषि आईन कृषि आईन व्यवस्था यदि एवं देखा कहीं विरोध है कहीं विरोध करुले चाषी मैंने कहीं सरकार बाध्य प्रत्याहार करने तार पॉइंट टी देखने जब ए आईन में कृषक निज जमि केवल मात्र श्रमिक हो रही है अभोग आसूला और कंपानी मान हाथ को जमीर मालिकाना चली आशंका पाश्चात्य देशगुड़िकर कृषि मॉडल को भारत में कार्यकारी करने को चाहूंटे कहुला और कंट्राक्ट फार्मिंग में कंपानी गुड़िकर कृषक को शोषण करेंगे अभोग आसूला और उत्पादन गुड़ को खराब कही प्रत्याख्यान करदे पारती कंपानी बोली सन्देह करुते कृषक नेता माने एवं बड़ कंपानी माने सीधा सड़क उत्पाद किनी नेले क्षति सहे छोट व्यवसायी अभियोग आसूला। आलोचना को आसवा शुभेंदु बाबू जब देखु केन्द्र सरकार तीन कृषि आईन को प्रत्याहार कर सारी किंतु कृषक नेता माने जहाँ कहते प्रतिक्रिया कहते आपड़ जो कथा कहते आपण एवं भी कृषि आंदोलन प्रत्याहार करूना कहीं कौन प्रधानमंत्री कथा आप भरोसा आसुनी? देखु प्रधानमंत्री विगत दिन में एत मिछ कथा कही जमी आप उदाहरण दे पारती 15 लाख प्रति लोक आकाउंट को आसो मु प्रधानमंत्री हेले प्रधानमंत्री हेले तेल कृषि आईन संपर्क में कृषि मंत्री कही पारि था निजे प्रधानमंत्री संबोधन कर आश्वासना देखते आंदोलन फेरी जाते मत भरोसा आसुनी प्रति थर से प्रधानमंत्री ही टीवी परदा को आसती कही सजेई धजेई कि से प्रधानमंत्री ही आसती कौन सी समय कृषि मंत्री आसती ना आज से घटी प्रधानमंत्री आसी किंतु कथा जे प्रधानमंत्री अतीतर एत मिछ कथा कही जमी 15 लाख आकाउंट को आसवा एवं विभिन्न प्रकार जिते मिछ कथा कही भारत वर्षर चाषी गुड़ा विश्वास कर पारे प्रकृतर ये कथाटा प्रधानमंत्री सत कौन कि मिछ कौन तेणु आम मैने स्वागत करुचु अपर पक्ष अपेक्षा करू जे संसद रे ये जिनसटा प्रस्ताव पारित हो जे तीनटा कृषि आईन रिपोर्ट को पुनः फेरबे सूरत विश्वास अच्छा बीजेपी नेता आपको स्वागत करुच आलोचना को चाप ना किसी कारण कहीं बाध्य तीन कृषि आईन को प्रत्याहार करने सूरत बाबू कथा ये जो प्रतिक्रिया मो पूर्व जो वक्ता दौले बड़ दुखर सहित मु कह प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट दबा आरंभ कर सारे जहा हूँ सम्मान जन जो योजनाबद्ध भाव में जो आंदोलन करते किसी लोग विभ्रांति सृष्टि है जदिव ये आईन चाषी मान उदेश उद्दिष्ट चाषी मान मंगल ये आईन में कौटी त्रुटि दिने हेले कई कही ना त्रुटि कौ जगह कहना प्रत्याहार कर मैंने राजनीतिक जिद्दी से अनकंडीशनली प्रत्याहार कर आज जो प्रधानमंत्री जो मुंड नुआईले बोली विरोधी मैंने भी अभियोग करें राजी गणतंत्र आगे आपत्ति नाला कहते सूरत बाबू
ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ? ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ କିଛି ଅଛି କି? ଅଭିସନ୍ଧି ଗନ୍ଧ ବାହାରି ହେଉଛି କି? କାରଣ ଆଗକୁ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ କିଛି କଥା ଆଗରେ ସେ ଯେ ବୁଝାମଣା ଯଦି ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆଇନ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଆଇନରେ ଥିବା ପ୍ରାବଧାନକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ, କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ବି ହଉଛି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜିଦି ଧରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ପରେ ଯଦି କହିବେ କାହିଁକି କଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ବୋଲି, ଶ୍ରୁତବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ତିନି କୃଷି ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ କିଛି କୃଷକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା? କଣ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି? ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି, ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର କରାହେଇଛି, ତମ ଜମି ନେଇଯିବେ, କେତେ ମଣ୍ଡି ଉଠିଯିବ, ଯୋଉ ମିଛ କଥା ପ୍ରଚାର କରାହେଇଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଆପଣ ପରୋକ୍ଷରେ କୃଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାନି କି? କୃଷକଙ୍କ ଦାବି ମାନିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ଦାବି ମାନିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ଭାଣ୍ଡାମିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି କୃଷି ଆଇନ ଛୋଟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାଦାୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଛି କୃଷକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା କି? ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲସରେ ପଡ଼ିଲେ, ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ଚାଷୀ ପୁରା ନୁହନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକିରି, ସେଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଇମାନେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଲେ, ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ମିଛ କଥା, ମିଛ କଥା, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିଲେ କି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଯିଏ ତାକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, ତାକୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥ କରୁଛି ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୋର ଯାହା ଆଜ୍ଞା, ଜୁନ୍ 5, 2020ରେ ଏହି ତିନି କୃଷି ଆଇନ କଥା ଉଠିଥିଲା ଉପରକୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଚନିକ ଭୋଟରେ ପାସ୍ କଲା, ଏହା ପରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଥାନ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏବଂ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ନେଲେ? ତାହେଲେ ସମୟ କଣ, ପୁରା ସମୟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ସମୟ କଣ, ଇଏ ଆଇନ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ କଥା, ଏତେ ସମୟ କଣ ନେଲେ? ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସେବେ କାହିଁ କଲେ ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ପୁରା ଆଇନ କଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ କି? 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି, କୋଉ କ୍ଲଜରେ ଭୁଲ ଅଛି କୁହ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କଣ ନା, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର, ରାଜନୈତିକ ଜିଦି ନା ନା, ଯଦି ଆପଣ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆର ଦିଗଟାକୁ ଆପଣ ଫାଳି ଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକି ପାରିବେନି ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ଦୀପ ଫାଳିଆ କଥା କହିବେ ନା ଫାଳିକା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା ରୋକି ପାରିବନି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ରାସ୍ତାର କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁନି, ମୁଁ ଆଇନଗତ ଦିଗ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଆଇନ କଥା ଦିଗ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବିଚାର କଥା କହୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଡିଫେକ୍ଟ, ଆପଣ ମତେ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିରେ ଆପଣ କହୁଛୁ କୋଉ ଆଇନର କୋଉ କ୍ଲଜଟା ଭୁଲ ଥିଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଲା। 15 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟର, ଚାଷୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ସାରା ଦେଶର, ସବୁ ଚାଷୀ ଠୁ ମତାମତ ନେଇଥିଲେ, ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଠୁ ମତାମତ ନେଇଥିଲେ, କିଏ କହିଲା ତରବରିଆ ଭାବରେ? ଆପଣ ତ ପୁରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ମତରେ ଆଇନ ତିଆରି କଲେ? ବିଲକୁଲ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସୁରତ ବାବୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା। ଦିବାକର ନାୟକ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷ ଶୁଣିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ଷତିଟା କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ,
ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଆଇନ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଇନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଆଇନ ଆସିଲା ସେଦିନଠୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟିଂ ଥିଲା ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ 300 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆମର ବଳକା ଅଛି, ଗୋଡାଉନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ରାଇସ୍ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନା କନସିଡର୍ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଏତେ ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ବହୁତ କମ୍। ଯାହା ଆମର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଲେ ମାନେ MSP ଠୁ ଧାନ ବି କମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 1200 ଟଙ୍କା 1300 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ କେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି 5000 କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ, ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖୁସି ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ, କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ହଟିବେ ନା? ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଯଦି ସଂସଦରେ ଏଇଟା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଇନଟାକୁ ରିପିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବାକୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କଥାଟା MSPର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ସେ କଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବାକର ନାୟକ ସାର୍ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଚାଷୀ ନେତା, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସରକାର ଯେଉଁ ନରମେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 3 କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ସୂଚୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।